बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूरोप के बाद अब हम मूव करते हैं अमेरिकास की तरफ। अमेरिकास दो हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर 3-4 लेक्चर्स होंगे जनरल नॉलेज के बेसिस पर, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में USA है जो कि वर्ल्ड पावर है। इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री भी बाद में देखेंगे। तो जनरल नॉलेज में जो हिस्ट्री के पॉइंट्स या फिर इसकी जो फिजियोग्राफी के बारे में बात करूं तो वो आप पॉइंट्स इसके बनाते रहिएगा। अगर हम देखें तो जो ओल्ड वर्ल्ड है वो ये वाली है, दिस इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड। ये बीच में अटलांटिक ओशन है। अगर मैं इसको लिख दूँ अटलांटिक ओशन, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे वाला हिस्सा साउथ अटलांटिक ओशन। जैसे कि आपको पता होगा नेटो बनी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्थ अटलांटिक ये वाला सारा जो ओशन है उसके साथ लगने वाला यूरोप, और दूसरी तरफ नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट साइड पर ये दो कंट्रीज़ जो अमेरिका और कनाडा है ये नेटो में आती हैं। यानी इसको कहते हैं ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज और स्टेट्स। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, यानी आर पार। अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो नॉर्थ अमेरिका कुछ ज्योग्राफर जो है मैक्सिको तक रखते हैं, अमेरिका USA और मैक्सिको। कुछ इसको पैनामा तक ले जाती हैं। ये आप जो इस्थमस देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटी सी बारीक सी पट्टी, इसको पैनामा की स्टेट बोला जाता है। और कुछ लोग इधर ले आती हैं, लेकिन कुछ ज्योग्राफर सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ को नॉर्थ अमेरिका ट्रूली या जेन्युइनली मानती हैं, एक USA और कनाडा, और बाकी इस हिस्से को मिडल अमेरिका और इससे नीचे साउथ अमेरिका मानती है। बहरहाल हम आज अपनी आसानी के लिए इन दो कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो कि अमेरिका और कनाडा पर मुश्तमिल है। इसकी थोड़ी सी मैं सराउंडिंग बता दूं कि ये इस हिस्से पे अटलांटिक ओशन इसको वॉश करता है, इसकी कोस्ट्स को। दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। दूसरी तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। आई मीन पैसिफिक ओशन वॉशेस द शोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। अब एक और इम्पॉर्टेंट सी जो है इसके नीचे अमेरिका की, अमेरिका के नीचे ये फ्लोरिडा की स्टेट है जो बिल्कुल एक लूपी सी बनी हुई है फ्लोरिडा, और इसके अंदर एक प्याला सा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिको है। मैं इसको M और X लिख देता हूँ, मैक्सिको, बल्कि MEX लिख देता हूँ। ये मैक्सिको है, और उसके अलावा ये आप देखें प्याला सा बना हुआ है। ये सी सराउंडिंग, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, 1, 2, 3 साइड्स, तो उसको बोलते हैं गल्फ। तो इसको कहती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कौन सी है? गल्फ मैक्सिको की गल्फ है, क्योंकि एक तो मैक्सिको की कंट्री है जो कि अमेरिका के बिल्कुल साथ में बड़ा हमसाया मुल्क है यानी साउथ में, और एक इस जगह के ऊपर भी न्यू मैक्सिको के नाम से, सॉरी इस जगह के ऊपर भी न्यू मैक्सिको के नाम से अमेरिका की एक रियासत है जो कि मैक्सिको के ऊपर है। बहरहाल हम गल्फ ऑफ मैक्सिको तक रहते हैं। ये गल्फ है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। ये आपने पॉइंट को याद रखना है, चाहे लिख लें कि द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर आप साउथ में देख रहे हो तो नॉर्थ में चले जाएं। नॉर्थ में एक और एक सी है, सी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, 1, 2, 3 साइड्स, तो या तो वो गल्फ कहलाती है या बे कहलाती है। बे और गल्फ की डेफिनेशन एक ही है कि सी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, तो ये गल्फ कहते हैं, इसको बे कहते हैं। तो ये बे ऑफ हडसन है, बे ऑफ हडसन, जो कि कनाडा की लैंड जो है इसको सराउंड कर रही होती है, बे ऑफ हडसन को। तो याद रखिएगा दिस इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। इसको भी खलीज बोलते हैं, इसको भी खलीज बोलते हैं उर्दू में। तो ये लार्जेस्ट बे है और ये लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है। तो एक चीज़ तो ये होगी, यहाँ अटलांटिक, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, ये बे ऑफ हडसन, नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप देखें कि अमेरिका जो है सराउंड करता है
ओशंस को और वाटर्स को, इसीलिए अमेरिका की नेवी बहुत पावरफुल है और ये अमेरिका की नेवल पावर है कि उसकी आउटरीच जो है पूरी दुनिया तक है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी स्कोप है वो ऑलमोस्ट सारे का सारा जो दुनिया है वो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है बिकॉज ऑफ इट्स नेवल पावर, क्योंकि दुनिया के मेजर सी लेंस के ऊपर उसकी जो फ्लीट्स हैं या नेवल पावर वो अपॉइंटेड है क्योंकि उसके पास वार्म वाटर्स हैं। अब हम देखते हैं और कुछ चीज़ें अमेरिका की, क्योंकि ये बॉर्डर है, आप देख सकते हो बॉर्डर, और अमेरिका और कैनेडा के बॉर्डर लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। अब ये लार्जेस्ट कितना है, ये 8,893 किलोमीटर है, 8,893 किलोमीटर पर मुश्तमिल बॉर्डर है, दुनिया का सबसे लंबा ये बॉर्डर है। तो आप सिर्फ अगर ये भी याद रखें कि दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड तो वो भी ठीक है, अगर ये फिगर याद नहीं भी रहती है तो लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 8,893 किलोमीटर। दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैनेडा एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, रशिया के बाद सबसे बड़ी कंट्री जो एरिया वाइज है वो कनाडा है। अगर आप मैप पर देखेंगे सही ओरिजिनल मैप के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि कनाडा इससे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से कम कर दिया हुआ है। तो अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट है बाय एरिया, ये कंट्री अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट एरिया है। अच्छा, ये दोनों कंट्रीज़ कहलाती हैं स्टेट्स ऑफ माइग्रेंट्स, बिकॉज किसी ज़माने में जब इसको डिस्कवर किया गया था, जो यूरोपियंस ने इसको जब डिस्कवर किया था तो बहुत सारी माइग्रेशन उसके बाद हुई थी इस न्यू लैंड के ऊपर, और यहाँ पर जो ओरिजिनल लोग रहने वाले थे जो रेड इंडियंस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं या बहुत कम पॉकेट्स में इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पर गोरों के जो डिसेंडेंट्स हैं बच्चे आज भी इसको पॉपुलेट किए हुए हैं, और ये माइग्रेंट्स की कंट्री कहलाती है USA और उसके बाद कैनेडा। USA में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है यहाँ पर, और ऊपर फ्रेंच और उसके बाद इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं, और अक्सर औकात फ्रेंच स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के दरमियान में डिसकॉन्टेंट भी रहता है कैनेडा में। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस बारे में यूनिफॉर्मिटी है कि एथनिकली मोस्टली अमेरिकन्स स्पीक इंग्लिश। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब हम देखते हैं अमेरिका की जो टोपोग्राफी है या फिर इसकी जो लैंड फॉर्म है वो भी बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये पैसिफिक ओशन के साथ जो इसकी कोस्टल लाइन बनती है, ये ऊपर अलास्का से लेकर नीचे तक ये एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं पैसिफिक माउंटेन रेंज। इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक माउंटेन रेंज। उसके बाद यहाँ कनाडा के जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे एक और भी बड़ी माउंटेन रेंज नीचे उतरती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज फार एज अमेरिका एंड कनाडा इज़ कंसिडर्ड, दिस इज़ कॉल्ड रॉकीज। ये रॉकीज़ की रेंज है और ये क्या है, पैसिफिक। ये जो पैसिफिक माउंटेन रेंज है ये तो इसलिए बनी है कि यहाँ पर जो दो एजेस हैं प्लेट्स की वो मिलती हैं, एक तो पैसिफिक ओशन की प्लेट्स की एज यहाँ मिलती है और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट है उसकी एज मिलती है, तो दोनों के एजेस मिलने की वजह से ये माउंटेन रेंज बनी हुई है। बहरहाल जी, रॉकीज़ यहाँ बनी हुई है और आप देख सकते हो कि यहाँ नॉर्थ से यानी नॉर्थ पोल से अगर ठंडी हवा आती है तो ये कॉरिडोर बगैर किसी रुकावट के उस को रेगुलेट करता है नीचे की तरफ, तो इस तरीके से जो विंड है वो बिल्कुल सीधी तरीके से आती है। मुख्तलिफ इलाकों में जो माउंटेन रेंज मौजूद होती है तो वो रोकती हैं विंड्स को, जैसे पाकिस्तान में हिमालय है नॉर्दर्न पार्ट में, या इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय की पूरी वॉल है, तो चाइना से जो ठंडी हवाएं आती हैं सर्दियों में उसको काफ़ी हद तक वो रोक लेती हैं, तो बैरियर बनाती है अगेंस्ट दी क्लाइमेट। लेकिन ये जो है ये रॉकीज़ और ये जो माउंटेन रेंज है पैसिफिक माउंटेन रेंज, ये बाकायदा उसका कॉरिडोर बनाती है बैरियर की बजाय, तो ये दरमियाना हिस्सा कहलाता है अमेरिका का,
इंटरमोंटेन इस दरमियाने हिस्से को क्या बोलते हैं। अच्छा ये मैं बता दूं, ये पैसिफिक रेंज है, पैसिफिक, और ये रॉकीज है, रॉकीज, और बीच वाला हिस्सा कहलाता है इंटर माउंटेन। माउंटेन का इंटर माउंटेन का मतलब है दो पहाड़ों की रेंजेस के दरमियान वाला इलाका, ये वैलीज बनाता है। ये क्या है? ये वैलीज बनाता है। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद एक और माउंटेन रेंज है, और वो कौन सी है? वो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसको कहते हैं एपेलेचियंस, बल्कि यहां मैं लिख देता हूं एपेलेचियंस हाईलैंड्स। ये है एपेलेचियन हाईलैंड्स। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता तो डजेंट मैटर, बट रॉकीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, ज्योग्राफिकल फिनोमिनन ऑफ अमेरिका, बिकॉज इट मेक्स अ ज्योग्राफिकल चेन बिटवीन कैनेडा एंड अमेरिका, एंड इट यूनाइट्स दीज टू टेरिटरीज इन टू वन। तो रॉकीज आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इस एपलिशियंस भी कुछ लोग कहते हैं, एपलिचियंस भी कहते हैं। तो एपलिचियंस और रॉकीज के दरमियान में ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं इंटरनल लोलैंड। लोलैंड का मतलब प्लेन जो होता है, और ये वाला प्लेन है, ये प्लेन और ये लोलैंड, ये दोनों जो हिस्से हैं ये एग्रीकल्चरली बहुत फर्टाइल हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ रॉकीज से निकलता है एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम जिसको मिसूरी रिवर सिस्टम बोलते हैं, और ये जो लेक्स हैं बड़ी बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स यहाँ से भी फीड करती हैं रिवर्स, और ये पूरा जंगल सा नेटवर्क सा रिवर्स का यहाँ बनता है। इन रिवर्स की इरीगेशन से ये एरिया जो है यहाँ वीट से लेकर हर वो किस्म जो ग्रेन की है वो पैदा होती है, प्रोड्यूस की जाती है यहाँ पर, और इस वजह से आप समझ सकते हो कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द ग्रेन्स, और वीट भी, और उसके अलावा और दूसरी तीसरी चीज़ें भी। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट है, इंटरमोंटेन और ये साथ में ये वाला एग्रीकल्चरल लैंड। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया अमेरिका की जो फिजियोग्राफी है उसको पढ़ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पर हम अब पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। तो अमेरिका के रिवर्स कौन से हैं? एक मैंने आपको बताया था कि रॉकी से स्टार्ट होता है रिवर, और वो मिसूरी रिवर है, और बहुत बड़ा रिवर है मिसूरी रिवर, MISSOURI मिसूरी रिवर है। रॉकी से स्टार्ट होता है, एक और भी रिवर है जो यहाँ से ये वाला, ये जो लेक है इसके करीब से स्टार्ट होता है, और वो रिवर फिर आकर मिसूरी रिवर में मिल जाता है, उसका नाम है मिसिसिपी। तो मिसूरी रिवर किस में जाके शामिल हो जाता है? मिसिसिपी में, मिसिसिपी में शामिल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिसूरी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी टू मिसिसिपी। सो दिस मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर्स, बोथ ऑफ देम आर द लार्जेस्ट रिवर्स इन अमेरिका। दे मेक अ नेटवर्क, अ कंप्लीट नेटवर्क है, इस तरीके से ये नेटवर्क सा बनता है, बहुत से ट्रिब्यूटरीज आके उसमें से मिलती हैं, एंड देन दे एम्प्टी देमसेल्व्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो मैक्सिको की गल्फ है उसमें मिसूरी एंड मिसिसिपी जो रिवर नेटवर्क है, रिवर नेटवर्क that empties, yani empties into किसमें? Gulf of Mexico, Gulf of Mexico में जाके वो अपने आप को empty करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसलिए fresh water बहुत सारा Gulf of Mexico में आता है, तो Gulf of Mexico भर जाती है, यानी कि इसमें अच्छा खासा bulge बन जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो इसमें रिप्लेनिश होता रहता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट भी कम होती है, क्योंकि सॉल्ट फ्रेश वाटर उसको कम कर देता है सॉल्ट को। तो ये कुछ चीज़ें, एक और भी फिजियोग्राफी में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये फाइव लेक्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ये फाइव लेक्स जो हैं, जिसको कहते हैं फाइव ग्रेट लेक्स, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, फाइव ग्रेट लेक्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो इसमें से एक जो लेक है ये वाली, ये आपने याद रखनी है, ये है सुपीरियर लेक। ये कौन सी लेक है?
इसको कहते हैं सुपीरियर, एस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, सुपीरियर लेक। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी। तो ये आपका एक पॉइंट है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेकिन बाय एरिया, एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कौन सी? सुपीरियर लेक। कौन सी लेक है? सुपीरियर लेक है। अच्छा, उसके अलावा वॉल्यूम के लिहाज से, जिसमें वाटर वॉल्यूम मौजूद है, वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लार्जेस्ट लेक है बेकाल। आपने याद रखना है ये जनरल नॉलेज का पॉइंट। बेकाल, बेकाल है कहाँ पर? ये रशिया में साइबेरियन रीजन में है। अगर आप इस तरीके से देखें, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके हम यूरोप आए, यूरोप से क्रॉस करके रशिया में दाखिल हुए, रशिया में दाखिल होने के बाद ये उसका साइबेरियन हिस्सा है। यहाँ पर बेकाल मौजूद है और इसके ग्लेशियर्स जो है हाईलैंड के, वो उसको फीड करते हैं। और दुनिया का कहा जाता है कि जितना फ्रेश वाटर है उसका 20% लेक बेकाल में मौजूद। 20% ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट बाय वॉल्यूम इन लेक बेकाल। तो लेक बेकाल में इतना वाटर मौजूद है। तो लेक बेकाल जो है वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, और यहाँ पे सुपीरियर लेक जो है वो साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। अब आते हैं इस तरफ को दोबारा से। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि जो लेक जो है वो जो इनलैंड लेक होती है, एक और भी लेक होती है, अगर सॉल्ट इसमें मौजूद हो, फ्रेश वाटर ना हो, बहुत सारा सॉल्ट हो, तो उसको सी भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको सी भी बोलते हैं। तो सी जो होता है, इनलैंड सी जो है, वो भी लेक बोली जाती है। जैसे डेड सी है वो लैंड लॉक्ड है, इसलिए उसको सॉल्ट लेक बोला जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक कौन सी है? वो है कैस्पियन सी, जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बॉर्डर करती हैं, नीचे से ईरान को बॉर्डर करती हैं और ऊपर से या वेस्ट की साइड से रशिया को बॉर्डर करती है। और वो तकरीबन इस जगह पे रशिया के मौजूद है, तकरीबन इस जगह पे मौजूद है कैस्पियन सी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? कैस्पियन सी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। और सुपीरियर लेक साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। अब आगे देखते हैं एक और लेक, या मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक ये वाली लेक है नीचे, इसको मिशिगन लेक बोलते हैं। एम मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर, मिशिगन लेक बोलते हैं, एम से मिशिगन। उसके साथ ह्यूरॉन, HEURON, ह्यूरॉन ये लेक बोलते हैं। और इसके साथ ये नीचे वाली लेक जो है इसको बोलती हैं ईयरी, ERIE, कैपिटल RIE। और उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लेक है, इसको बोलते हैं ओंटारियो या एंटेरियो, ONT, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एंटारियो आपने ये याद रखना है कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर पांच लेक्स हैं, इसको कहते हैं 5 Great Lakes। उसमें से सबसे बड़ी दुनिया की फ्रेश वाटर लेक जो बाय साइज है वो सुपीरियर लेक है। और उसके बाद एंटारियो जो है, ये मिशिगन जो है, जो एक लेक है वो मिसिसिपी रिवर में बहुत सारा कंट्रीब्यूट करती है। और एंटारियो लेक से एक रिवर निकलता है सिन लॉरेंस, एंटारियो लेक से एक रिवर निकलता है सिन लॉरेंस, और वो फिर जाके कनाडा के बीच में से जाके तो किस में? अटलांटिक ओशन में गिर जाता है, सिन लॉरेंस। ये जो सेंट है, जब ST उसके साथ मिलता है तो फिर सिन बन जाता है, सिन लॉरेंस। ये एक रिवर है जो कि कनाडा से जाके, और ये कनाडा का जो रिवर है इसके करीब ज़्यादातर पॉपुलेशन बसती है जो सेंट लॉरेंस है। तो